पोटेंशियल सबके अंदर है। तो पजल जो हरबंस पजल है, लास्ट सेशन में हमने बात की थी किस प्रकार डिफरेंट तरह की पजल बनाई जा सकती हैं। पहली पजल जैसे दिख रहा है, लेफ्ट साइड में कैनकेन पजल है और राइट साइड में हरबंस पजल है। कैनकेन में कोई भी नंबर नेचुरल नंबर होंगे, लेकिन हरबंस में कोई भी नंबर हो सकता है। कैनकेन में केवल ऑपरेशंस, फोर ऑपरेशंस है, इसमें कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। तो चलिए, ये पहली पजल जो मैंने 5 को 50 से रिप्लेस किया 4 को 40 से, और नंबर जो 1 2 3 इसमें यूज होने थे उनको 10 20 30 से। अब पजल में आपको ये दिख रहा होगा कि पजल 3 बाई 3 की भी हो सकती है, 4 बाई 4 की भी हो सकती है, 5 बाई 5 भी हो सकती है। इसमें कुछ डार्क लाइन के साथ होते हैं, कुछ डॉटेड लाइन के साथ होते हैं। तो डॉटेड लाइन जो है वो बिटवीन वन डार्क लाइन बॉक्स, जो बड़ा डार्क लाइन बॉक्स है उसके अंदर 2 बॉक्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। जैसे हम लाइट ब्लू कलर में 70 LCM, ये एक डार्क ग्रुप बॉक्स है, इसको केज बोलते हैं। और जो दूसरा सिंगल डार्क लाइन वाला बॉक्स है उसको हम, इसको हम बोलेंगे सिंगल बॉक्स या फ्रेम। नेक्स्ट आप देखिए, आपको जो हर बॉक्स के अंदर एक टॉप पे एक नंबर लिखा होता है जिसको हम कहते हैं टारगेट नंबर, और उसके साथ एक ऑपरेशन है, प्लस है। यहाँ पे आगे आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन या मैथ्स कंसेप्ट, एलसीएम, एचसीएफ, एरिया, वॉल्यूम या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में आ सकते हैं। तो एक टारगेट नंबर और एक ऑपरेशन या मैथ्स कंसेप्ट। अब पजल्स किस तरह की हो सकती है, जैसे मैंने दिखाया है यहाँ पे कि पजल में हम नंबर्स, उनके मैथ कंसेप्ट, जैसे पहली पजल में एलसीएम है, सेकंड में आप देख रहे हैं जैसे यहाँ क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, यहाँ हमने अल्जेब्रिक टर्म्स, यहाँ जैसे ये 2 ग्रीन बॉक्स में आप देख रहे हैं एक्स क्यूब के आगे डिवीजन लिखा है, यानी कि हमें वो 2 टर्म अल्जेब्रिक टर्म लिखनी है जिनको डिवाइड करने पर एक्स क्यूब आ जाएगा। इधर इस पजल पे हम आज चर्चा करेंगे, ये रैशनल नंबर की पजल है। इसमें हम पजल में रैशनल नंबर को ढूंढेंगे कि कौन से 3 रैशनल नंबर इन पजल में फिट हो सकते हैं। अब सबसे पहले रूल की बात करें, रूल हम पिछली बार भी बात कर चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग नए जुड़ेंगे तो उनको बताने के लिए कि आपको जो नंबर्स लिखने हैं, टॉप में जो नंबर दिया होगा आपको टारगेट नंबर, और उसके साथ उस डार्क लाइन के अंदर 2 बॉक्स होंगे या 3 होंगे, जैसे 50+ है, इसके अंदर 2 बॉक्सेस हैं, तो एक का आंसर हमने लिख दिया 50+ का 20 और 30, 20 और 30 को ऐड करने पर 50 आ रहा है। या फर्स्ट कॉलम में आप देखेंगे 20-, सेकेंड जो एंट्री है 20-, ये टारगेट नंबर है 20 और ऑपरेशन है माइनस। तो आपको 2 नंबर फिल करने हैं 10, 20, 30 में से जिनका डिफरेंस 20 हो। तो एक ही पेयर है 10 और 30, लेकिन साथ साथ ये भी सोचना है कि वो कहाँ पे आएंगे, वो अगला रूल है। पहला रूल, टारगेट नंबर और ऑपरेशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 50+ है तो 20 + 30 = 50। नेक्स्ट रूल कि हम जो भी नंबर यूज करेंगे वो कंसेक्टिव भी हो सकते हैं, नॉन कंसेक्टिव भी हो सकते हैं। लेफ्ट साइड में जो पजल है इसमें हमने केवल 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स लिए हैं, जो दिए हुए रेंज में से, जैसे -5 to 5 गिवन है, इसमें से कोई भी 3 इंटीजर चूज करने हैं जो इस पजल को सेटिस्फाई करेंगे। मैंने हिंट दिया है नीचे, इसमें सॉल्यूशन दिया है -1, 0 और 1। इसी तरह से सेकंड पजल में देखिए, इसमें आपको 1 to 10 कोई भी 3 प्राइम नंबर चूज करने हैं, तो वो आपको खुद सोचना होगा कि कौन से 3 प्राइम नंबर हो सकते हैं। यहां मैंने ये बताया है कि जरूरी नहीं है कि कंसेक्टिव नंबर्स ही होंगे, नॉन कंसेक्टिव जैसे 2, 3 और 5 इसमें यूज हो। जैसे सुडोको करते हैं पजल्स, उसी तरह से ये पजल भी हल कर सकते हैं, केवल वहां 1, 2, 3, 4 नंबर्स हैं, यहां नंबर्स हम डिफरेंट लेंगे और वो कंसेक्टिव भी हो सकते हैं, नॉन कंसेक्टिव। लेकिन एक रो या एक कॉलम, जैसे ये रो है तो किसी भी रो में आप देखें सारे नंबर डिफरेंट डिफरेंट है और एक ही बार आए हैं, 20, 30, 10, 30, 10, 20, 10, 20, 30, रो या कॉलम
नंबर एक लाइन में एक ही बार, और टोटल नंबर जो यूज हुए हैं वो भी केवल तीन ही हैं, 10, 20, 30, इनके अलावा कोई और नंबर यूज नहीं कर सकते। यहां रूल में आप देखिए कि जहां नंबर पे ऑपरेशन नहीं लिखा हुआ, जैसे 30 है, इसमें ऑपरेशन नहीं लिखा, तो इसका मतलब यहां आंसर इस बॉक्स का गिवन है 30। इसमें 30 सिंगल बॉक्स है, फ्री भी है, तो इसका आंसर 30 ही रहेगा, तो इस बॉक्स में केवल 30 आएगा, जैसा राइट साइड में आंसर में दिख रहा है। चलिए, पिछली बार जो पजल की थी वहां मैंने इसको डेसिमल में हमने रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट किया था, अब बिना इसके भी हम नंबर को कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि इस पजल में आपको सबसे पहले टारगेट नंबर एक तो -1/7 है, ऑपरेशन माइनस है। दूसरा जो टारगेट नंबर है वो -1 है, ऑपरेशन डिवीजन है। और तीसरा नंबर टारगेट नंबर 0 है, ऑपरेशन प्लस है। और एक नंबर 0, सबसे पहले तो 0 एक सिंगल नंबर है, कोई ऑपरेशन नहीं है, इसका मतलब 0 इज ए गिवन नंबर, वन ऑफ द गिवन। हमें तीन रैशनल नंबर सोचने कि जिनको इन में यूज करेंगे, तो एक नंबर हमें पता लग गया 0 जो गिवन। अब ध्यान से देखें टारगेट नंबर -1, हम किन दो नंबर को डिवाइड करेंगे कि -1 आएगा? नेचुरल सी बात है, इफ वी डिवाइड ए नंबर विद इट्स नेगेटिव, यानी कि जैसे 5 को -5 से डिवाइड करें या -5 को 5, कोई भी नंबर केवल उसको प्लस और माइनस से चेंज करें तो वो नंबर जो होगा, यानी कि नेगेटिव इनवर्स भी कह, एडिटिव इनवर्स भी कह सकते हैं, तो -1। तो यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो एक प्लस होगा तो दूसरा, एक एक्स है तो दूसरा माइनस एक्स, तो ये लॉजिकली हमें पता लगा। और एक लॉजिक दूसरा हमें ये पता लग गया कि नंबर एक नंबर 0 है। अब फर्स्ट कॉलम पे आ जाइए, आप फर्स्ट कॉलम में देखें टारगेट नंबर -1/7 है और नंबर यूज करने हैं हमें 2, तो एक नंबर 0 दे रखा है, 0 नंबर इसमें आएगा, क्योंकि ये जो दो नंबर हैं ये हमेशा नॉन जीरो नंबर से आएंगे, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो उनमें से अगर एक भी नंबर 0 हुआ तो आंसर या तो 0 होगा या अनडिफाइंड होगा। तो इसमें ना तो अनडिफाइंड है ना 0 है, इसका मतलब दोनों नंबर नॉन जीरो नंबर है, तो इसका मतलब 0 केवल फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। तो ये नंबर हमारा पता लग गया 0, इस बॉक्स में नंबर आ जाएगा 0। तो इधर जो नंबर आएगा फर्स्ट कॉलम की सेकंड एंट्री, वहां आपको 1/7 या -1/7 लेना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस लेना है -1/7। तो अगर एक 1/7 है तो दूसरा, हमें ये नंबर पता लग गया कि जो नंबर है वो 1/7 और -1/7 ही हो सकते हैं। तो तीन नंबर सेलेक्ट करने के लिए हमने लॉजिक ढूंढा। पहला लॉजिक कि 0 गिवन है, एक 0 पता लग गया। दूसरा लॉजिक हमने यूज किया कि पहली रो के सेकंड और थर्ड एंट्रीज नॉन जीरो हैं और -1 है, तो इन दोनों में 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट एंट्री 0 हो गई, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखा रहा हूं। यहां देखिए आपको फर्स्ट एंट्री 0 और दूसरी एंट्री, क्योंकि डिफरेंस लेना था तो 0 में से 1/7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/7 आ जाए, तो सेकंड नंबर 1/7 हो गया। और क्योंकि दोनों का डिवाइड करने पर -1 आ रहा है, तो तीसरा नंबर हमारा ऑटोमेटिकली, अगर एक 1/7 है तो दूसरा -1/7, तो तीनों नंबर पता लग गए 0, 1/7 और -1/7। तो हमने पहला कॉलम फिल कर दिया 0, 1/7 और तीसरा नंबर फिल कर दिया -1/7। बिकॉज जब दो एंट्री किसी भी रो या कॉलम में फिक्स हो जाएंगी तो तीसरा ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ नंबर है वही आएगा,
तो दो हमारे तीन नंबर थे 0, 1/7 और -1/7, तो दो जब पहले में यूज हो गए तो तीसरा नंबर -1/7। अब थर्ड रो देखिए, थर्ड रो में एक नंबर -1/7, दूसरा नंबर 0, तो थर्ड पोजीशन पे इस बॉक्स में जो नंबर आएगा वो 1/7 हो जाएगा। जब ये 1/7 है तो अब आप सोच सकते हैं कि सबसे ऊपर वाली रो में जब ये 1/7 है और इन दोनों का डिवीजन करने पर -1 आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली -1/7 और ये 1/7। तो ये हर स्टेप का एक लॉजिक होगा, तभी हम आगे मूव करेंगे। हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल में आपको बदल बदल के ट्राई करके देखना पड़ेगा उसमें, लेकिन लॉजिक से जब आप चलेंगे तो आपको एक बार में ही जो आंसर लिखेंगे वही उसका सॉल्यूशन भी होगा। और सर आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इस तरह के पजल्स जब हमारे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो कौन कौन से स्किल्स हैं जो उनमें डेवलप हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमें कह रही है कि बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करें, तो ये पजल्स जो हैं बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वो ना केवल ये वाली प्रॉब्लम हल करें, क्योंकि जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जैसे आपने देखा होगा, इस प्रॉब्लम को पहले उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है जी। पजल को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर लॉजिक ढूंढते हैं, तभी वो इसका हल कर पाते हैं। बिल्कुल। तो ये तीनों चीजें जब उनके अंदर आएंगी तो वो अपनी लाइफ के सभी काम में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ सॉल्व करेंगे। हर प्रॉब्लम को वो पहले ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर लॉजिकली उसका सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो ये पजल उनकी आदत बनाएंगे कि कैसे उनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग और ये एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी और साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी होगी। अभी मैं आगे बताऊंगा कि सिर्फ पजल सॉल्व करना इसमें एक काम है, जब टीचर बच्चों से डील करेंगे तो कैसे क्या क्या उनको करना है मैं अभी बता चुका। ये पजल आप इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये दूसरी पजल है। अब इसमें क्या है, 3x5, ये 9th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि इंसर्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3x5 एंड 4x5। इनफाइनाइटली मैनी नंबर हो सकते हैं, लेकिन अब इस पजल में हमें वो तीन कोई भी नंबर्स लेने हैं। अब क्योंकि आप सॉल्यूशन में देखें तो डिनोमिनेटर में 20 आ रहा है, ऐड करने पर डिनोमिनेटर में 20, तो सब्ट्रैक्ट करने पर भी डिनोमिनेटर में 20, तो हम ये सोच सकते हैं कि क्या जो गिवन नंबर है इनका डिनोमिनेटर अगर 20 हो तो किस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के इक्वल होंगे। तो 3x5 विल बी इक्वल टू 12x20 एंड 4x5 विल बी इक्वल टू 16x20। दिस इज वन ऑफ द हिंट विच वी कैन स्टार्ट। अब 12x20 एंड 16x20 के बीच में तीन नंबर्स हम सोच सकते हैं जो इजी हैं, कंजेक्टिव हैं, तो वो है 13x20, 14x20 एंड 15x20। जब नंबर्स हमारे चूज कर लेंगे उसके बाद हम इसमें फिल कर सकते हैं। तो ये 9th क्लास के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसी को सोल्व करवा रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक सुडोको की तरह एक पजल भी हम उनको करने के लिए दे रहे हैं। तो दोनों काम करेंगे ये पजल। अब जो मैं अभी कह रहा था कि पजल सोल्व करना खाली हिट एंड ट्रायल से सोल्व करना या ये हमारा पर्पज नहीं है। हमारा पर्पज है, जैसे आपने प्रश्न किया कि कौन से स्किल आ सकते हैं, तो जब बच्चा प्रश्न हल करेगा, पजल हल करेगा, तो उसको अपनी रीजनिंग देनी पड़ेगी कि उसने सबसे पहले जो स्टार्ट किया वो स्टेप लिया उसका लॉजिक क्या है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप लिया उसका लॉजिक क्या है, फिर थर्ड स्टेप लिया उसका लॉजिक क्या है। हर स्टेप पर उसको लॉजिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जैसे अभी एक पजल को मैंने सॉल्व करते हुए लॉजिक के साथ उनका आंसर बताया। सॉल्यूशन नंबर सेलेक्ट करने का लॉजिक क्या था, जैसे आपने देखा होगा पजल में मैंने बताया
कि दो नंबर्स को डिवाइड करने पर -1 आ रहा है। तो इससे हमें इतना पता लग गया कि नंबर्स दोनों नॉन जीरो हैं। तो लॉजिक दिया हमने जिससे हमें ये पता लग गया कि इन दोनों प्लेसेस पर जीरो नहीं आएगा। तो ऐसा ही हर स्टेप का उनको लॉजिक ढूंढना है, सॉल्यूशन नंबर भी लॉजिक के साथ ढूंढने हैं। फिर क्या एक पजल को सोल्व करने का एक ही मेथड है, एक ही वे है, दूसरा वे भी हो सकता है? जैसे मैंने स्टार्ट किया सॉल्यूशन -1/7 से, आप किसी और स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं, आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जिस वे से स्टार्ट करेंगे वो एक वे से ज्यादा वे भी हो सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि जब एक पजल को डिफरेंट वे से करेंगे तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो किसी वे में कम स्टेप लगेंगे, किसी में ज्यादा। तो आपको ये भी बताना है बच्चे ने कि किस में मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लिए। फिर आप देखेंगे कि किसी पजल के एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। एक तो डिफरेंट वेज हैं एक सॉल्यूशन को लाने के, और एक जैसे हम कोई क्वेश्चन करते हैं मैथ्स में तो उसको हम कई तरीकों से, कई प्रोसेस, कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी कई मेथड से, कई वे से सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन आ गया। लेकिन क्या ऐसा भी है कि इन पजल के एक से अधिक सॉल्यूशन हो सकते हैं? मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊं। सर, इससे पहले की चर्चा में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास केवल 2 से 3 मिनट का समय शेष है। देखिए, ये उदाहरण है कि जिसमें एक पजल के एक से अधिक सॉल्यूशन है। ये पजल लेफ्ट साइड में पजल दी हुई है, राइट साइड में मैंने सॉल्यूशन लिखा है। तो 9+5 4 भी हो सकता है या 4 5 भी हो सकता है। और नीचे आप देखेंगे तो 2- जो है वो 4 और 2 भी हो सकता है या 2 और 4। तो इस पजल के दो सॉल्यूशन है। तो ऐसे अनेक पजल बन सकती हैं। पजल बनाने के लिए जैसे ये लेफ्ट साइड में कैन-कैन पजल है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया हरबंस में बाय आस्किंग, एक फिगर बना दी रेक्टेंगल की या स्क्वायर की। तो जो नंबर है वो उस रेक्टेंगल का एरिया भी हो सकता है, पेरीमीटर भी हो सकता है। बच्चों को सोचना है कि क्या हो सकता है। इसी तरह से जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर में एरिया या पेरीमीटर। अब ये सिंगल बॉक्स में है, जो 9 लिखा है ये सिंगल बॉक्स है। तो इसका मतलब अगर पेरीमीटर है तो क्या होगा, और अगर ये एरिया है तो क्या होगा, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। इसी तरह से जैसे मैंने बताया, जैसे पेरीमीटर और एरिया, यहाँ पे हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया यूज कर सकते हैं, सिलेंडर या क्यूबॉइड या राइट ट्राइंगल का एरिया बात कर सकते हैं। पजल बनाना इतना आसान है कि आप जैसे ये पजल है मल्टीपल ऑफ 3/4। अब देखिए लेफ्ट साइड में पजल दी है 5 4 6 3। मैंने जो नई पजल बनाई है केवल सभी नंबर्स को 13 से मल्टीप्लाई कर। तो हमारी एक नई 5 को मल्टीप्लाई 65, 4 को किया तो 54, 2 6 को किया तो 78, एक नई पजल बन गई। पहली वाली पजल में नंबर यूज करने हैं 1 2 3, और दूसरे में मल्टीपल ऑफ 13 हो जाएंगे, 13 26 और 39। ये जो पजल है हम नंबर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे पहली पजल बनी 10 20 30 से, मैं कह रहा हूं कि 10 की जगह यूज करें -3, 20 की जगह यूज करें -4, 30 की जगह रिप्लेस करें 0। तो देखिए जो पहले पजल में 50+ था वो राइट साइड में सेकंड पजल में 4- बन गया। कैसे? आप देखिए 50 जो है 20 और 30, सेकंड 20 और 30, सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड करने पे आ रहा है। यहां देखेंगे सेकंड और थर्ड नंबर -4 और 0 है, इनको सब्ट्रैक्ट करने पर भी -4 आ जाएगा, क्योंकि -4 -0 विल बी -4। जी सर, सर बहुत विशेष जानकारी आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं, पर समय अभी हमें इसकी इजाज़त नहीं दे रहा कि सत्र को आगे बढ़ाएं। ठीक है, कोई एक मिनट बस। जी मैं ये बताना चाहता हूं कि पजल बनाना कितना सरल है। ये थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे ने कैसे पजल बनाई कि जैसे आप देखा होगा पेंसिल से उसने पजल बनाई और नंबर इरेज कर दिए, पहले सॉल्यूशन लिख दिया, उन्होंने 3 नंबर को रो और कॉलम में इस तरह से फिट कर लिया कि एक रो में एक नंबर एक ही बार है। उसने तीनों नंबर इरेज कर दिए 3 2 1,
और पजल बना दी 6+। सेकेंड रो में देखें तो 1 और 2 को इसने इरेज कर दिया, 3+ बना दिया। तो थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा भी एक पजल बना सकता है। तो टीचर और बच्चा कोई भी अपनी पजल बनाकर एक दूसरे से पॉज कर सकते हैं और एक दूसरे से पूछ सकते हैं। इस पजल का सबसे ज्यादा फायदा यह है कि जो क्लासरूम के क्वेश्चंस हैं उनको हम रूटीन प्रैक्टिस को पजल में कन्वर्ट करके और एक इंटरेस्टिंग वे में, चैलेंजिंग वे में बच्चों के सामने रख सकते हैं। जी सर, तो कोई भी आइडिया, कोई भी एरिया हो, उसको हम पजल में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हर बार जब आप आते हैं तो इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे साथ साझा करते हैं हरबंस पजल्स के बारे में। और जैसा कि आपने बताया कि इसकी फुल फॉर्म है कि हर बंदा समझदार, यानी हर व्यक्ति समझ सकता है, सीख सकता है और ख़ुद भी पजल्स क्रिएट कर सकता है। मुझे लगता है ये सत्र भी बहुत बेहतरीन रहा, हमारे बच्चों ने इंजॉय किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जितने भी दर्शक हमारे साथ आज इस सत्र में जुड़े हुए थे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि इस सत्र को यहीं विराम दें, एक विशेष जानकारी आप सभी के लिए। यह जानकारी एनसीईआरटी की विभिन्न पाठ्य पुस्तकों से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2023 से 2024 के लिए एनसीईआरटी की विभिन्न पाठ्य पुस्तकें पूरे देश में उपलब्ध हैं। आप इन्हें खरीद सकते हैं एनसीईआरटी के सेल्स काउंटर से। इसके अलावा आप ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं इन टेक्स्ट बुक्स के लिए। हमारा लिंक आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और यदि आप इन्हें डाउनलोड करके पीडीएफ और सॉफ्ट कॉपी वर्जन में पढ़ना चाहते हैं तो उसके भी तमाम जरिए हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एनसीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.ncert.nic.in पर आप स्क्रॉल कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, उसे ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। और एक बार पुनः आपका धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहीं मत जाइएगा, कुछ ही समय में हम फिर से हाजिर होंगे सोशल साइंस का एक सत्र लेकर कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए। और हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया यानी द हिमालयाज के बारे में। तो देखते रहिए ई विद्या चैनल्स। नमस्कार।